प्रेगनेंसी सुखद तभी हो सकती है जब आप हेल्दी हो। अगर आप पूरी प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, तो आपके साथ साथ आपके होने वाले बच्चे को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग ना करने से आपको मिसकैरेज भी हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी से पहले प्री प्रेगनेंसी तैयारियाँ काफी जरूरी होती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको यही बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में प्री प्लानिंग क्या होती है, प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग आपको कैसे करनी चाहिए और प्री प्रेगनेंसी करनी क्यों जरूरी होती है। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग आखिरकार होती क्या है। प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग उस फैसले को कहते हैं जो परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लिया जाता है। इससे आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है और इससे आपका होने वाला बच्चा भी हेल्दी पैदा होता है। इस दौरान महिला को डॉक्टर से मुलाकात करके ये पता करना चाहिए कि क्या उनका शरीर माँ बनने के लिए तैयार है या नहीं, साथ ही उनके लिए किस उम्र में माता पिता बनना सही रहेगा। इन सब बातों को आपको प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान तय कर लेना चाहिए, ताकि बच्चा चाहे पहला हो या दूसरा, तीसरा, कैसे भी हो, हर बार प्रेगनेंसी की प्री प्लानिंग करनी ही चाहिए। आइए अब हम ये जानते हैं कि प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग आपको कैसे करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आजकल की स्ट्रेस भरी जिंदगी में कंसीव करना अब आसान नहीं रह गया है। कई महिलाएं कंसीव तो आसानी से कर लेती हैं, पर उसके बाद कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही रहती है, जिसकी वजह से उन्हें मिसकैरेज हो जाता है। इसलिए जैसे ही आप ये फैसला करें कि आपको कंसीव करना है, तो आप तुरंत अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मिलें। वो आपकी मेडिकल हेल्थ और मेडिकल हिस्ट्री की जांच करके ये कंफर्म करेंगे कि आप कंसीव करने के लिए शारीरिक रूप से फिट हैं या फिर नहीं। इसमें आपके डॉक्टर्स कुछ टेस्ट कराकर ये भी पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। इसलिए ऐसे कुछ मामलों में आपको दवाइयां भी शुरू करनी पड़ सकती हैं। साथ ही आप दोनों की जांच और फैमिली हिस्ट्री के आधार पर डॉक्टर आपको ये भी बता सकते हैं कि होने वाले बेबी को कहीं किसी तरह की जेनेटिक बीमारी होने की कोई संभावना तो नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर्स प्रेग्नेंट महिलाओं को जरूरी वैक्सीन भी लगाते हैं, जैसे जर्मन मीजल्स या रूबेला इन्फेक्शन से बचाने वाली वैक्सीन। प्रेगनेंसी के दौरान हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, TDAP के लिए भी वैक्सीनेट किया जाता है, पर इन सब की जानकारी आपको समय समय पर अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मिलते रहने से ही मिलेगी। इसलिए प्रेगनेंसी प्लान करने के बाद से हर महीने अपने डॉक्टर के पास जाती रहें। इसके अलावा प्रेग्नेंट होने के लिए आपको कुछ समय पहले से ही गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना बंद करना होगा। ऐसा करने से आपके पीरियड्स और फर्टिलिटी को नॉर्मल होने में हेल्प मिलेगी। और ऐसे में ये भी हो सकता है कि कुछ समय तक आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर रहें, पर घबराए नहीं। वैसे तो कुछ मामलों में गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल बंद करते ही कंसीव हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो घबराने वाली बात नहीं है, इससे बेबी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर आप डॉक्टर की सारी बातें मानते हैं तो आपका होने वाला बच्चा हेल्दी ही पैदा होगा। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 30% महिलाएं ट्राई करने के एक महीने के अंदर ही कंसीव कर लेती हैं, वहीं 45% 6 महीनों में कंसीव कर लेती हैं। साथ ही साथ 10-15% महिलाओं को 1 साल लगता है, बाकी 10-15% महिलाओं को 1 साल से ज्यादा का टाइम लगता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप धैर्य रखें। अगर आप सारी बातों को ध्यान में रखकर प्रेगनेंसी प्लान करें तो आज नहीं तो कल आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो ही जाएगी। अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं, तो आपको अपने पति की स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इससे उनके स्पर्म की क्वालिटी पर फर्क पड़ेगा और आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना पर भी। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग से मिसकैरेज हो सकता है, प्री मैच्योर बर्थ, बेबी का लो बर्थ वेट, चेस्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से प्री प्रेगनेंसी के साथ साथ प्रेगनेंसी में भी दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सेहत की कुंजी सही खानपान ही है, इसलिए प्री प्रेगनेंसी में आपको अपने खानपान में हेल्दी चीजें शामिल करनी चाहिए। इसके लिए आप अपने खानपान में प्रोटीन से भरी चीजें जरूर रखें, जैसे कि दालें, बीन्स, नट्स। अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो चिकन, मीट, अंडे और मछलियां भी। साथ ही शरीर को अच्छे से स्टार्च की सप्लाई पूरी करने के लिए चावल, पास्ता, आलू, ये सब कुछ जरूर लें। और इनके साथ साथ ही दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को आप अपनी डाइट में शामिल जरूर कर लें। खूब सारा पानी पिए और प्रोसेस्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक से दूरी बना लें। अगर बात विटामिन्स की करें तो विटामिन बी के तहत आने वाला फॉलिक एसिड बच्चे की नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है।
इसलिए डॉक्टर की सलाह पर इसके सप्लीमेंट्स भी लेना आप स्टार्ट कर दें। साथ ही साथ दिमाग की शांति के लिए गाने सुनना, किताबें पढ़ना और मेडिटेशंस कुछ अच्छे ऑप्शंस होते हैं। ऐसे में आप अपने मूड को अच्छा करने के लिए हमारी कुछ अच्छी कहानियाँ सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमारे एंड्रॉयड ऐप पॉकेट कहानियाँ को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप साइड में आ रहे आई कार्ड पर भी क्लिक कर सकती हैं। यहाँ पर हम आपको ऐसी कहानियाँ देते हैं जो आपकी ज़िंदगी को देखने के नज़रिए को बदल देते हैं। तो प्रेगनेंसी के ऐसे टाइम पर आप अपना समय पॉकेट कहानियाँ को जरूर दें। फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये जाना कि प्री प्रेगनेंसी कैसे करनी चाहिए, अब हम ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी में प्री प्लानिंग क्यों जरूरी है। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन की रिसर्च में ये पता चलता है कि अगर प्रेगनेंसी में प्री प्लानिंग के साथ फैमिली प्लानिंग की जाए तो इससे न सिर्फ 32% प्रेग्नेंट मदर की मृत्यु दर को कम किया जा सकता है, साथ ही करीब 10% शिशु मृत्यु दर को भी रोका जा सकता है। साथ ही प्रेगनेंसी की प्लानिंग करने से महिलाएं अपनी इच्छा अनुसार और हेल्थ के आधार पर कंसीव करने की सही उम्र तय कर सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि प्रेगनेंसी का पहला महीना कैसा होता है, तो आप अपनी स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकती हैं, जिसमें हमने आपको इस बारे में बताया है। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।